मैं एके एम अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार, बकरीद के अवसर पर तमाम देशवासियों और बिहार वासियों को मुबारकबाद, क्रांतिकारी अभिवादन, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मूल निवासी बहुजन समाज का विरासत है, उस विरासत को ध्वस्त करके 5 अगस्त को इसके विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के ये दो संगठनों के संयुक्त तौर पर 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी काला पट्टी, काला फीता बांधकर जो विरोध आंदोलन का आगाज आदरणीय मेश्राम साहब ने किया है, इस राष्ट्रव्यापी काला फीता बांधकर जो घोषित किया गया है, इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बहुजन मुक्ति पार्टी साथ हो समर्थन की घोषणा करती है। और मैं बिहार प्रदेश के तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के स्टेट लेवल के पदाधिकारी, जिला लेवल का पदाधिकारी कार्यकर्ता, प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के शुभचिंतक, हितचिंतक, समर्थक, आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि काला पट्टी बांधकर, काला पट्टी हाथ में बांध सकते हैं, सर में बांध सकते हैं, काला झंडा लगा सकते हैं, लगाकर ज्यादा से ज्यादा ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो मेश्राम साहब के द्वारा साथियों घोषित किया गया है, इसको सफल बनाने की हम प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा, लगभग 7 महीनों से भारत कोरोना जैसे महामारी से जूझ रही है और भारत के प्रधानमंत्री आज तक एक जिला लेवल का, एक प्रखंड लेवल का, या प्रधानमंत्री जी के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा आज तक 7 महीना के अंदर एक भी हॉस्पिटल का कहीं पर भी शिलान्यास नहीं किया, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मतलब इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री को केवल मात्र मंदिर और मंदिर बनाने के लिए नजर आ रहा है, मंदिर को शिलान्यास करने की नजर आ रहा है, बाकी भारत के जो देशवासी हैं, मूल निवासी बहुजन समाज, जो गरीब गुरबे के लोग हैं, इनके लिए नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना है, नहीं कोई हॉस्पिटल बनाना है। और आज तक ला एक भी उदाहरण भारत में नहीं है कि एक भी हॉस्पिटल का उद्घाटन, एक भी हॉस्पिटल का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया होगा। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि जब चाइना से बीमारी शुरू हुआ तो चाइना ने 48 घंटे के अंदर 10-20 हजार लोगों को इलाज करने के लिए एक साथ में भर्ती करके इलाज करने के लिए हॉस्पिटल बनाया। 7 दिनों के अंदर 7 दिन भी उसको नहीं लगी और भारत को 7 महीना होने जा रही है, एक भी हॉस्पिटल अभी तक भारत में नहीं बना। और इतना ही नहीं, इससे शर्म की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री 7 महीना में अभी तक ला बेड और बिछौना ही खरीद रहे हैं, ये क्या इलाज करेंगे? आपको सुनकर आश्चर्य होगी कि भारत की दशा क्या है, दिशा क्या है। और भारत के आरएसएस वाली जो बीजेपी सरकार है और इसके समर्थन में ही इंटरनली अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन में जो कांग्रेस वाली लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये सारा मिलजुल करके भारत के बहुजनों के साथ में, भारत के मूल निवासियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम इस जो भूमि पूजन है, जो शिलान्यास है, उस शिलान्यास को, वो बौद्धों की विरासत है, बुद्धिस्टों की विरासत है, मौर्य साम्राज्य के लोगों की विरासत है, भारत के मूल निवासी लोगों की विरासत है। इसलिए हम अपनी विरासत की लड़ाई लड़ने की जो घोषणा मेश्राम साहब ने किया है, उस विरासत की लड़ाई में हम साथ सहयोग देने की घोषणा कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं तमाम भारत की और बिहार के जितने भी बुद्ध धम्म के अनुयायी हैं,
बुद्धम के मानने वाले लोग हैं, मैं उनको भी अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर के इस आंदोलन को सफल बनाएं और ब्राह्मणों से साकेत को मुक्त कराने की आंदोलन में शामिल हो। इसके साथ ही साथ मैं बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों से अपील करता हूं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे जीतना माझी के पार्टी के सारे कार्यकर्ता हों, पप्पू यादव जी हो, उदय नारायण चौधरी जी हो, ऐसे मुकेश साहनी जी हो, तमाम बिहार में जो बैकवर्ड क्लास की पार्टी है, मैं उनको भी अपील करता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस साकेत मुक्ति आंदोलन जो चलाई जा रही है, इस आंदोलन में आप भाग ले और अपनी विरासत को ब्राह्मणों से मुक्त कराए और काली पट्टी लगाकर इसका निषेध करे। आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा यकीन करते हुए, आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए, आप लोगों से अपील करते हुए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।